एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू जो कि कोरोना का वैक्सीनेशन है उस पर बात करते हैं, तो उनसे और उनके ऑफिस से देश ये अपेक्षा करता है कि पूरी जानकारी और सही जानकारी देश के समक्ष रखें। उसी संदर्भ में मैं 2-3 इश्यूज लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं। साथियों, मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इनके इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। और मैं तथ्य लेके आया हूँ और आंकड़ों पे आंकड़े हैं मेरे पास कि भारत की वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत को तो दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया का वैक्सीन बनता है उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है, हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1962 में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में सबसे पहले शुरू किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन चालू की गई। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार ने शुरू किया। 1986 में इम्यूनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन भारत की सरकार ने शुरू किया। लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कुष्ठ रोग इरेडिकेशन प्रोग्राम 1986 में चालू हुआ और 2011 में देश की पहली वैक्सीन नीति बनी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज, जिसमें BCG, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, DPT, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी, पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी, हमने थैंक यू करके पूरे देश में इश्तियार नहीं लगाए कि थैंक यू फलाना जी, ऐसा इश्तियार नहीं लगाया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि ये मुफ्त है, क्योंकि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, करदाताओं का पैसा करदाताओं पर खर्च हो रहा है। इसलिए ये कहना कि मुफ्त क्या होता है, मुफ्त तो जब हम माने जब भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिल रहा है उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करे तो मुफ्त माना जाएगा। आप क्या मुफ्त, 23 लाख करोड़ रुपया आपने सिर्फ ईंधन पर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, और 23 लाख का 1-2% आपने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन पे डाला है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा के वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है, अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। दूसरा तथ्य, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, और कल से कई लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि दुनिया में पहला देश बना जहां पे 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी। साथियों, सितंबर 16 2021 को चीन में 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी, और दोनों वैक्सीन, डबल वैक्सीनेशन, 216 करोड़ डोजेज 16 सितंबर 2021 को चीन में लग चुकी थी। और आप किस तरह की अतार्किक और अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो, दूसरे देश से आपकी तुलना और हमारी तुलना कैसे हो सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी और उनके जो कार्यालय में जो उनके स्पीच लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं, उनको तो टीवी पे सामने खड़े होके बोलना है जो वो 2-4 पेज लिखे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ दुनिया के कितने देश की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ 2 ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ लगा लिए, जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है तो वहां तो 6 करोड़ ही लगेंगे ना। ये इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात आप क्यों कर रहे हो? जब हम 50 करोड़ से ऊपर की आबादी के 2 ही देश है दुनिया में, तो आप हमारी तुलना
वैक्सीनेशन की गति की तुलना चीन से हमें करनी चाहिए, जो एक महीने पहले का डाटा है कि 80% अपनी जनसंख्या को टोटल डबली वैक्सीनेटेड कर चुका था। आज का डाटा तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा उसका पूरी पॉपुलेशन डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये महोत्सव का समय जब 50% के लगभग देश की जनसंख्या को एक भी वैक्सीन नहीं लगा, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट हैविंग एनी वैक्सीनेशन, डू वी रिक्वायर टू सेलिब्रेट दिस डे? ये दिन महोत्सव का है जब 50% जनसंख्या को एक वैक्सीन नहीं लगा है? क्या ये महोत्सव का समय जब चीन में एक महीना पहले 80% जनसंख्या डबली वैक्सीनेटेड हो गई थी, हमारे यहाँ 20% आज हुई है, और प्रिसाइसली बोलूं तो 21% हमारी डबल वैक्सीनेशन हुई है। चीन की एक महीना पहले 80% डबली वैक्सीनेशन हो चुका था, आज लगभग 90-95% के बीच होगा। क्या ये महोत्सव का समय है? क्या ये महोत्सव का समय है कि 18 से कम उम्र के बच्चे जो स्कूल जाने को ललायत हो रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कॉलेज जाने को ललायत हो रहे हैं, उनके लिए अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ है? क्या ये महोत्सव का समय है जब हम ये कहते हैं कि देश में निरंतर वैक्सीनेशन की दर पिछले 10 दिनों में घटी है? यू विल बी सरप्राइज टू नो इन लास्ट 10 days द एवरेज वैक्सीनेशन पर डे गॉट रिड्यूस्ड, एंड दिस इज प्रिसाइसली इन लास्ट 7 days इट इज 47 लाख पर डे। लास्ट 10 days October 11 to October 20 47 लाख डोजेस पर दिन लगी है, उससे पहले वाले सप्ताहों में 88 लाख 72 लाख थी। निरंतर आपकी वैक्सीनेशन पर डे की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, और आप यहाँ पे महोत्सव मना रहे हो? क्या महोत्सव का समय जब 1 जनवरी से लेके आज तक डीजल में 29% हाइक हुई है सिर्फ 10 महीने में, 9.5 महीनों में, और पेट्रोल में 27% प्राइस हाइक हुई है? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यापार है सिवाय 2 लोगों के व्यापारों के अलावा जिसने पिछले 9.5 महीनों में 27% की जिसमें आय की वृद्धि हुई हो, जिसमें 29% की आय में वृद्धि हुई हो? ऐसा कौन सा व्यापार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वेतन में पिछले 9.5 महीनों में 29% आय में वृद्धि हुई हो, पर हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 9.5 महीनों में डीजल में 29% की वृद्धि हुई है, पेट्रोल में 27% की वृद्धि हुई है, और हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं थैंक यू फलाना जी? किसके लिए थैंक यू कि आपने हमारे ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जो हमारे को कष्ट दिया, वो भी त्योहारी मौसम में, उसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए थैंक यू बोले? क्या हम इसलिए थैंक यू बोले कि 50% भारत की जनसंख्या को एक भी डोज नहीं लगा, क्या इसके लिए थैंक यू बोले? क्या इसके लिए थैंक यू बोले कि 10 महीने हो गए वैक्सीनेशन को चालू हुए, मात्र 21% देश के लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा, क्या इसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए बोले? और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ताली थाली इवेंट को जस्टिफाई किया। मुझे तो लगा था कि कोई भी विवेकशील प्रधानमंत्री, कोई भी विवेकशील व्यक्ति जिसने गलत काम किया है उसको महात्मा गांधी जी के अनुसार उसको क्षमा याचना करनी चाहिए, पर वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस समय दुनिया के देश वैक्सीनेशन के ऑर्डर बुक कर रहे थे, और मेरे पास पूरे देशों का डाटा है, भले वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंडोनेशिया हो, इजराइल हो, जब पिछले साल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में वैक्सीनेशन के ऑर्डर्स बुक किए जा रहे थे, जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब सेकेंड वेव के पहले हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोग जो कि नौकरी पे जाते हैं उनको वैक्सीन की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भिजवा दिए। When there was no vaccine adequacy, Prime Minister was talking about vaccine diplomacy. Should we say thank you for that? क्या हम thank you उस बात के लिए कहें कि जब हमारे देश में vaccine adequacy नहीं थी, आप vaccine diplomacy की बात कर रहे हो? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री जी,
देश में सबसे निम्न द लोवेस्ट वैक्सीनेशन रेट अमंगस्ट ऑल स्टेट्स इन आवर कंट्री इज इन उत्तर प्रदेश विच इज 18.88%। मात्र 18.88% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को डबल वैक्सीन लगे हैं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करी? प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश वह देश प्रदेश है जिसमें गंगा मैया के अंदर दुनिया के पत्रकारों ने, दुनिया के लोगों ने लाशें तैरती देखी है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको, आप आज आके महोत्सव इसलिए मना रहे हो कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, दुनिया के जो समाचार पत्र हैं, उनके अनुसार 55 से 60 लाख लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई है, क्या उनके लिए आप जश्न मना रहे हो? क्या ये जश्न का समय है उन परिवारों के लिए जिन लोगों ने अपने माता पिता भाई बहन अंकल आंटी को खोया है? क्या उनके लिए ये जश्न का समय है? और हम तो आपका आंकड़ा भी मान लें, 4,53,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस डेडली वायरस के कारण हुई है और सेकेंड वेव के जिम्मेदार सरकार की पुअर गवर्नेंस और इनएफिशिएंसी है। क्योंकि सेकेंड वेव के पहले हम शुरू से कहते रहे कि वैक्सीन बुक कीजिए, वैक्सीन्स के ऑर्डर फ्लोट कीजिए, पर सरकार उस समय ताली थाली में व्यस्त थी। हमारे वैक्सीन्स, हमारे फार्मा इंडस्ट्री ने जो बनाए उसको आपने दूसरे देशों में भेज दिया। सेकेंड वेव आई, क्या कोहराम मचा, कैसे लोगों की मृत्यु हुई देश ने देखा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, रेमडेसिविर की कमी की वजह से मृत्यु हुई। मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी आए देश के सामने और पिछले 1.5 साल में जो एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उन सभी परिवारों से क्षमा याचना करें, उन सभी परिवारों की आर्थिक मदद करें और ये बोलें कि ये हमारे मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस के कारण 50 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना में मृत्यु हुई है। ये जश्न का समय नहीं है, ये आत्म अवलोकन करके क्षमा मांगने का समय है। ये जश्न का समय नहीं है, ये थैंक यू कहने का समय नहीं है, ये आपने जो आज गलत जानकारी दी उसके लिए शाम तक क्षमा मांगने का समय है। आपने जिस तरह कोरोना वॉरियर्स और फार्मा इंडस्ट्री का अपमान किया, उनसे क्षमा मांगने का समय है। ये जश्न का समय नहीं है, ये जश्न का महोत्सव नहीं है।